इस साल का जो आपका बर्थडे कितना स्पेशल है, कितना खास है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये बर्थडे मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें आज जितने मेरी जो म्यूजिक बॉक्स आज जिस लेवल पर है सब लोगों का साथ रहा है, वो सब लोग मेरे सामने हैं, मेरे साथ हैं, मौजूद हैं समय, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसलिए ख़ास है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। या दुर्गा, दुर्गा इज़ कमिंग दिस नवरात्रि 26, और ये एक औरत ओरिएंटेड मूवी है और आप लोग देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अभी मैं रिवील नहीं कर सकती स्टोरी बिकॉज फिर देखने को कुछ बचेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई 26 को आ रही है दुर्गा, दुर्गा इज़ कमिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक स्पेशल गिफ्ट मुझे सबसे ही मिला है, जितने दोस्त हैं ऑफकोर्स मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल से। आई थिंक बचपन में मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना ज़्यादा पसंद नहीं था, बट अभी इंजॉय कर रही हूँ। सो उस समय फैमिली हुआ करती थी साथ में, अभी बहुत सारे लोग और जो फैमिली बन गए, किस्सा बन गए म्यूजिक बॉक्स का और मेरी लाइफ का, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि पहले मेरी फैमिली हुआ करती थी, अभी बहुत सारी बहुत बड़ी फैमिली बन गई है, तो शुक्रिया एवरीवन। या फर्स्टली दुर्गा इज़ कमिंग दिस नवरात्रि, एंड दुर्गा के बाद नवरात्रि सॉन्ग आ रहा है जिस पर हम लोग बहुत नाचने वाले हैं, एंड प्रोजेक्ट इज़ कमिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सो म्यूजिक बॉक्स पर मिल ही जाएंगे, नई अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। यस, सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन, एंड जो दोस्त हैं, जो फैमिली है, जो फैंस हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं और देखेंगे, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि दुर्गा आ रही है और आप लोग देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का प्यार दुर्गा के लिए और म्यूजिक बॉक्स के लिए ऐसे ही मिलता रहे, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्टिंग। मेरे काफ़ी सॉन्ग मिलियन प्लस हुए हैं और बिकॉज ऑफ फैंस के प्यार से, सपोर्ट से, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जी सबसे बड़ा हाथ तो अगर मैं यहाँ हूँ और म्यूजिक बॉक्स यहाँ है तो उसके पीछे मेरे मॉम डैड का हाथ है। अगर मेरे माँ बापों ने मुझे मेरे सपनों के लिए, मेरे कुछ करने के लिए आगे सपोर्ट नहीं किया होता तो आई थिंक अगर मैं यहाँ हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली का सपोर्ट है, और आई एम वेरी लकी कि मेरी फैमिली मेरे साथ है और सपोर्ट है उन लोगों का। सो मिस कर रही हूँ उस टाइम, वो नहीं है मेरे पास, बट डेफिनेटली डन। जी म्यूजिक बॉक्स पर रिलीजिंग, या थैंक यू सो मच। महक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस हम सब परिवार की तरफ से है, और आप सबके लिए वो महक चौधरी है लेकिन हमारे लिए वो एक प्यारी सी चुलबुली सी लड़की है जो बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों के दिल के करीब है, एंड वी थ्री ऑफ अस, हम सिस्टर्स हैं उसके, सो वी थ्री ऑफ अस विश हर दैट द स्काई इज़ द लिमिट, मे शी अचीव्स वॉट एवर शी डिज़ायर्स टू, एंड मे ऑल हर ड्रीम्स कम्स ट्रू। हैप्पी बर्थडे महक, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग वुमेन,
और मैं उसको यही बोलूँगी गॉड ब्लेस हिम ओ हर एंड हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे महक. मैं यही चाहूँगी, मुझे बहुत अपनी सिस्टर पर प्राउड है कि दिन दुगनी रात चौगनी करे, आगे बढ़े और अपनी फैमिली का सबका नाम रोशन करे, मॉम डैड का. और मुझे बहुत प्राउड है अपनी सिस्टर. अनफॉर्चुनेटली आज आंटी अंकल हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज वो ये देखते तो बहुत ज़्यादा खुश होते और उन्हें ऐसा एहसास होता कि महक को बॉम्बे जैसा शहर में अकेले भेजना कोई गलत डिसीजन नहीं था, वो बहुत सही डिसीजन था. हम सब उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा प्राउड फील करते हैं. Happy birthday, Mehak Chaudhary. She's a beautiful girl, hardworking girl. And, yeah, she's very hardworking. Yeah. May God bless her with all the success and all the whatever she wants in life, she should get. So cheers to a successful career. Cheers to many more glorious years. Thank you. You have something to say? Nothing else. And she's from Mathura. Very, you know, she's very religious. बहुत भगवान को मानती है और हर चीज़ में उनकी पूजा, हर चीज़ में उनकी ब्लेसिंग्स लेती है. एंड बहुत ग्राउंड से खड़ी हुई लड़की है. एंड आई एम श्योर दैट दिस इज़ गोइंग टू बी सक्सेस फॉर हर. एंड या विश हर लक एंड ऑल द बेस्ट टू हर. हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे महक. वंस अगेन मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड फॉरएवर. थैंक यू. या रोल देखो, जन्मदिन पे बेस्ट विशेष तो हैप्पी बर्थडे ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है. तो हम उसको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं. और आपका जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कुछ नया होने वाला है और कौन एक्टर्स होंगे, क्या कौन से जॉनर का है. मेरे ख्याल से महक के जन्मदिन पे दो चीज़ें लॉन्च की है हमने. एक तो दुर्गा करके हमारी शॉर्ट फिल्म आ रही है जो एक पॉजिटिव मैसेज लेके आपके सामने आ जाएगी. इट्स ए वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल फिल्म. इट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन ए फादर एंड ए डॉटर, मतलब एक पिताजी, मतलब बेटी और उसके पिता के बीच का संबंध है, उसके ऊपर वो स्टोरी है. और दूसरा हमारा गाना आ रहा है जो दोनों 26 को रिलीज़ हो रहे, गुजराती सॉन्ग है, फ्यूजन है हिंदी गुजराती का, ढोलीडा करके ये गाना आ रहा है नवरात्रि में. तो लोग मेरे ख्याल से हमसे जुड़े रहे, स्टे ट्यून टू लिसन टू दिस सॉन्ग. आई थिंक पीपल विल लव दिस सॉन्ग. और तेरान जी हैं जो हमारे गाने में फीचर कर रहे हैं, बड़े टैलेंटेड डांसर है, तो लोग जल्दी इन्हें इनका टैलेंट के साथ देखेंगे. तेरान, यस, दिस इज़ माय फर्स्ट सॉन्ग विद म्यूजिक बॉक्स और काफ़ी अच्छा गाना है, बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत ही ज़्यादा इसमें नज़ाकतें देखेंगे आपको कि कैसा एक लड़की, कैसा एक लड़के का वो जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है इन त्योहारों में, और गरबा स्पेशली और डांस डांडिया, मतलब वो पूरा एक बहुत कल्चरल सॉन्ग है और बहुत मज़ा आएगा. एंड आई एम श्योर आप सब लोग देखेंगे. सो स्टे ट्यून ऑन म्यूजिक बॉक्स एंड दिस इज तेहरान बख्शी साइनिंग आउट. थैंक यू. डेट नहीं बता सकते, बट टेंटेटिवली ये नवरात्रि के एक हफ्ते पहले रिलीज हो जाएगा. और हमारी उम्मीद है कि इस साल गुजरात है या मुंबई है जहाँ पे भी नवरात्रि खेली जाती है, ये गाना बड़ा धूम मचाएगा. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक्स. मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ. हम जो पर्दे के पीछे के कलाकार होते हैं ना, उनको शक्ल से कम लोग जानते हैं. मैं एज ए लिरिसिस्ट कंपोजर बागी हाउसफुल थ्री सुपर नानी भैया जी सुपर हिट एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा वीडियो एल्बम्स मेरी आते हैं एक्चुअली, जो मैंने नाम लिया आपने गाने सुने होंगे. एंड मैं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. उन्होंने बर्थडे के दिन ये अनाउंसमेंट किया है कि हम गाना उनके साथ कर रहे हैं. राकेश जी, ये जो कहानी लिखी है नहीं इसको, ये जो कहानी मैंने लिखा, तो मैं तो कोई सर स्टोरी राइटर हूँ नहीं. मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, तो मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तो रास्ते में या तो मैं कुछ कविता मैं अमूमन लिखता ही हूँ, तो या मैं कविता या मैं कुछ पढ़ता हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा एक इमेजिनेशन आया और मैंने लिखा. मैं जब वापस आया मुंबई, तो वापस आने के बाद मैं महक जी से और संतोष जी से मैं यूं ही एक स्टोरी डिस्कस कर रहा था. मेरा मतलब ये नहीं था कि इस पर कोई फिल्म बनेगी. और इतना संतोष सर को, महक जी को इतना ये इंटरेस्टिंग लगा
कि उनको लगा कि ये फिल्म चूंकि हम जो कहानी का जिस्ट है ना वो हम एक कम समय में ही वो डिलीवर कर पा रहे हैं, अगर ये कहानी और लोगों को अच्छा अगर ऐसा कुछ लगा तो इसको हम लोग एक बड़ा रूप देंगे, बड़े पर्दे पर भी लेके आएंगे। पहले हमारी कुछ बड़े OTT से बातचीत चल रहा है, हमारा म्यूजिक बॉक्स पर भी रिलीज है ये, इसके अलावा बड़े भी एक दो कॉरपोरेट से भी बात चल रही है हमारी, तो इसको हम लोग एक छोटे ये में जिस्ट के साथ कहानी के का जो आत्मा है उसके साथ हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी में लाते, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। नहीं, एक ये लड़की की जर्नी है, एक लड़की है जो कि अपना जो कि जिसका एक पूरा जर्नी है, जिसका एक 10-15 साल का एक पूरा जर्नी है, वो लाइफ में करना कुछ चाह रही थी और लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाने के कारण वो लाइफ में एक उससे भी बड़े मुकाम को पाती है, टूटती है लेकिन बिखरती नहीं, अपने आप को समेटती है और उससे भी बड़ा वो ये करती है, अचीवमेंट पाती है लाइफ में। थैंक यू।